उज्जैन के पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर हिंदुवादी संगठन और कार्यकर्ता पदाधिकारी सहित शहरवासियों ने उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि हिंदुवादी संगठन और पदाधिकारी सहित शहरवासियों ने जमकर नाराजगी जाहिर की और ज्ञापन सौंपकर मांग की कि महाकालेश्वर मंदिर के प्रमुख मार्ग और आसपास क्षेत्र में से अवैध रूप से लगी मांस की दुकानों को हटाया जाए, साथ ही इनके रिकॉर्ड और दस्तावेज को भी चेक किया जाए, क्योंकि बाहर से आने वाले भक्त परेशान होते हैं और शहर के धार्मिक छवि खराब होती है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जो ज्ञापन था किन किन विषयों को लेकर दिया गया था, किस प्रकार से क्या मांग रही है आपकी? आज स्वर्णिम भारत मंच के साथ में उज्जैन के सभी प्रमुख सामाजिक संगठन जो है उनके पदाधिकारियों के नेतृत्व में कल जो घटना बेगमबाग में हुई है पथराव की, उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है। इसमें हमने मांग की है कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो अवैध रूप से वहाँ कत्लखाने चला रहे हैं, मांस की दुकानें चला रहे हैं, क्योंकि स्वर्णिम भारत मंच कई वर्षों से मांग कर रहा है कि जो अवैध कत्लखाने चल रहे हैं उसके कारण ही मुस्लिम समाज का हौसला बुलंद है, उन पर तत्काल कार्रवाई करें। और जो व्यापारियों के साथ में दुर्भाव प्रशासन करता है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में 2-2 बजे तक दुकानें चलती है और हिंदू समाज का जो एरिया है वहाँ 10 बजे ही दुकानें बंद कर दी जाती है, ये निश्चित रूप से प्रशासन की दोगली नीति है। आज स्वर्णिम भारत मंच ने एसपी साहब से मांग की है कि इन लोगों पर तत्काल कार्रवाई करें, के द्वारा जो अवैध गतिविधि चलाई जा रही है उसे बंद किया जाए और जो महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल है उन पर भी कड़ी कार्रवाई रासुका जैसे की जाए, ताकि आगे इनके हौसले जो हैं वो पस्त हो और कहीं ना कहीं हिंदू समाज पर जो आघात पहुंचा रहे हैं ये आघात अगली बार नहीं पहुंचा पाए, ऐसी आज हमारी पुलिस अधीक्षक से मांग की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।